हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू योर ऑल चैनल टेड ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराने वाला हूं जो कि एमपी बोर्ड की विशेष परीक्षा से संबंधित है। जस्ट स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर के आदेश में क्या कुछ बताया गया है आपकी विशेष परीक्षा और पूरक परीक्षा से संबंधित। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो आदेश है ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से जारी किया गया है और इसकी जो डेट है वो है 11 अक्टूबर। वीडियो में थोड़ा सा लेट बना रहा हूं लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट अपडेट है। 11 अक्टूबर 2021 को ये आदेश जारी किया गया है। सबसे पहले इस आदेश को डिटेल में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कुछ इस आदेश में कहा गया है आपके लिए। देखिए स्टूडेंट, यहां पर कहा जा रहा है कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी व्यवसायिक विशेष परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम दिनांक 11/10/2021 को घोषित किया जाएगा। मतलब कि आपकी जो विशेष परीक्षा आयोजित की गई थी, जो स्टूडेंट्स आपकी जो मेन एग्जाम्स हुए थे उस एग्जाम्स में उनका रिजल्ट कम रहा था क्योंकि एग्जाम तो नहीं हो पाए थे, आपका जो मेन एग्जाम का जो रिजल्ट बना था उसमें आपका रिजल्ट कम रहा था क्योंकि आपको जो पास किया गया था वो आपको क्लास 10th के स्टूडेंट्स को आपके इंटरनल असेसमेंट के बेस पर पास किया गया था, और क्लास 12th के स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट तैयार किया गया था वो आपकी क्लास 10th के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया था एमपी बोर्ड का। तो ऐसे स्टूडेंट जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है उन्होंने पूरक परीक्षा दी थी, तो पूरक परीक्षा का जो रिजल्ट था वो 11 अक्टूबर 2021 को जारी कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो 11 अक्टूबर 2021 को जारी किया जा चुका है। अब तक आप सभी को पता चल गया होगा, आप लोगों ने अपने रिजल्ट को देख लिया होगा। अभी भी अगर आपने अभी तक अपने रिजल्ट को देखा नहीं है तो आप सबसे पहले अपने रिजल्ट को चेक कर लीजिए। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर यहां पर क्या कुछ कहा जा रहा है, इसको समझ लीजिए। सेकंड नंबर पॉइंट पर आपसे कहा जा रहा है कि विशेष परीक्षा 2021 में सम्मिलित छात्रों की दोनों परीक्षाओं के परिणाम मुख्य परीक्षा वर्ष 2021 अथवा विशेष परीक्षा वर्ष 2021 में से जो भी श्रेष्ठ होगा उसे अंतिम मानकर छात्र को अंक सूची जारी की जाएगी। यह बहुत ही अच्छी न्यूज आपके लिए कि देखिए आपका एक रिजल्ट तो जो पहले बना था उसके बाद जो दूसरा रिजल्ट आपका अभी बना है, जो विशेष परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें से आपके जो अच्छे मार्क्स जिस भी रिजल्ट में आपके रहेंगे वही मार्कशीट आपको बनाकर दे दी जाएगी। मतलब आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि अगर आपने जो पहले परीक्षा नहीं दी थी उसमें आपका रिजल्ट अगर अच्छा रहा और अभी आपने जो परीक्षा दी इसमें अगर आपका रिजल्ट खराब भी हो गया तो आपको जो मार्कशीट मिलेगी वो पहले वाले रिजल्ट के आधार पर आपको मार्कशीट दे दी जाएगी। दूसरी कंडीशन ये रही है कि अगर आपका पहला रिजल्ट कम रहा था, सपोज पहले आपका जो रिजल्ट आया था उसमें 50% था, अब आपने विशेष परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने रिजल्ट में सुधार किया और आपका रिजल्ट 65% चला गया, तो आपको जो स्टूडेंट्स मार्कशीट प्रोवाइड कराई जाएगी वो 65 रिजल्ट की प्रोवाइड कराई जाएगी। ये आपके लिए एक अच्छा है कि मतलब कि आप कह सकते हैं कि आपका श्रेणी सुधार हो गया है, आपके रिजल्ट में सुधार हो गया होगा, आपको जो मार्कशीट मिलेगी जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे उसी की मार्कशीट आपको दी जाएगी। इसके बाद देखिए आगे कुछ क्या कुछ कहा जा रहा है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ऐसे छात्रों को पूरक की पात्रता नहीं होगी, ऐसे छात्र पूरक पात्रता नहीं होगी, किंतु यदि कोई छात्र मुख्य परीक्षा में संपूर्ण विषयों में अनुपस्थित रहा, ठीक है, संपूर्ण विषय में अनुपस्थित रहा तथा विशेष परीक्षा में शामिल होकर पूरक की पात्रता होने पर पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। देखिए, पहली बात तो आपकी जो परीक्षा स्टार्टिंग में हो ही नहीं पाई थी, आपका डायरेक्ट रिजल्ट बना दिया था, लेकिन अगर आप टर्मिनल एग्जाम भी नहीं दिए थे, हाफ ईयरली एग्जाम भी नहीं थी, आपने कोई भी परीक्षा नहीं दी थी, तो उसमें आपने अगर विशेष परीक्षा दी है और उसमें अगर आपका मार्क्स कम आते हैं किसी सब्जेक्ट में, अगर आप फेल होते हैं और आपको पूरक की पात्रता है, मतलब सप्लीमेंट्री की पात्रता है, तो फिर आप सप्लीमेंट्री दे सकेंगे, सप्लीमेंट्री एग्जाम आप दे पाएंगे। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए यहाँ पर पूरी यहाँ पर शेड्यूल तैयार किया गया है, आपको टाइम टेबल बता दिया गया है। अगर आप पुनर्गणना के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि आप दोबारा से अपनी कॉपी को चेक करा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो परीक्षा है वो कब कब होगी, सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होंगे, कितनी क्या फीस लगेगी, ये सारी कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। पूरक परीक्षा विशेष परीक्षा का जो टाइम टेबल है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि मंडे से 25 अक्टूबर से आपकी हायर सेकेंडरी परीक्षा के विषय के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई, कब से आपकी जो परीक्षा हो रही है वो आपकी 25 तारीख से हो रही है। तो ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आप टाइम टेबल देख लीजिएगा, ये आपका टाइम टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नीचे आपको इसके बारे में कुछ डिटेल दी गई है तो इसको भी आप थोड़ा सा केयरफुली रीड कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस नोटिस के अंदर यही कुछ था, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि सबसे पहली बात तो आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है विशेष परीक्षा का, और आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी मैंने आपको बता दी है कि आपको जो मार्कशीट प्रोवाइड कराई जाएगी तो आपको मार्कशीट मिलेगी, वही मार्कशीट मिलेगी जिसमें आपके अच्छे अंक आए होंगे, मतलब जिसमें आपका जो परसेंटेज रहेगा वो अच्छा रहेगा उसकी मार्कशीट आपको दी जाएगी। और अगर आपकी सप्लीमेंट्री आती है तो उसका भी शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया है, उसका टाइम टेबल यहाँ पर जारी कर दिया गया है, इसको आप डिटेल में समझ लीजिएगा। जो स्टूडेंट पास हो गए उन सबको कांग्रेचुलेशन, उन सबको बधाई। और हाँ,
अगर आप 10th पास होकर 11th क्लास में आए हैं या फिर आप 12th पास होकर कॉलेज में पहुंचने वाले हैं तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।